कोई योगी और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता है। पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल। तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हरिशंकर तिवारी जी की, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके, या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है।